सो वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे अपना एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हैं और विद इन 10 मिनट के अंदर आप फोन पे गूगल पे वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। सो वेल दोस्तों, उसके लिए हम अपनी एयरटेल मित्रा में रिटेलर की आईडी से लॉग इन कर लेते हैं। जैसे ही हम लॉग इन करेंगे तो ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इंटरफेस कुछ इस प्रकार आएगा, पूछेगा आर यू इंडियन। अगर आप नो करेंगे तो आपका अकाउंट ही नहीं खुलेगा। आप यस करेंगे तो नीचे वो मोबाइल नंबर भरना है जिस पर आपको फोन पे गूगल पे वगैरह चलानी है। जैसे ही आप इस मोबाइल नंबर को यहाँ पर भरेंगे तो भरते ही इस पर एक ओटीपी जाएगा, वही ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। ये 6 अंकों का ओटीपी फिल करते ही आप इसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर आधार नंबर भरना है जिसका अकाउंट खोलना है, और यहाँ पर उसका पूरा 12 अंकों का आधार के जो नंबर्स हैं वो भर देते हैं, और उसे भरकर नीचे जो भी टर्म एंड कंडीशंस दी हुई है उन सबको धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑथेंटिकेशन के कुछ ऑप्शन इस प्रकार आएंगे। आप दो तरीके से कर सकते हो, आप फिंगर से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हो या फेस से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। मैं फिंगर से करूँगा, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा आपका डिवाइस इसमें लगा हुआ आना चाहिए, और वो जैसे ही तैयार होगा तो फिंगर स्कैन करने की कॉल आपके डिवाइस पर आ जाएगी। और जैसे आप उस पर फिंगर रखवाएंगे आवेदक का, तो उसकी पूरी आधार कार्ड की डिटेल इस प्रकार से खुलकर आ जाएगी। हम सिंपली उसके एड्रेस वगैरह में सेम वो करके और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसके फादर या फिर उसके पति का नाम डालना होगा, और उसके बाद उसका ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या करता है वो सब चीज़ डालना होगा, वो मैरिड है अनमैरिड है उस सब चीज़ों को डालना होगा। और जैसे मैं इसमें कुछ भर देता हूं, मान लीजिए ये होममेकर है, मैं इसमें होममेकर क्लिक कर देता हूं। और होममेकर क्लिक करने के बाद नीचे जो भी इनकम प्रूफ है इसमें एक इनकम प्रूफ भरने के बाद सारों को 0-0 कर दो, बस एक ही भरना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा भर दी तो इनके लिए आगे प्रॉब्लम हो सकती है, आईटीआर वगैरह फाइल करने के लिए बोलेंगे। तो अब हम यहां पर आगे क्लिक कर देते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पेज नॉमिनी डिटेल्स के लिए मांगता है, आप इसे भरना चाहते हैं तो भर दीजिए वरना नो कर दीजिए। मैं सिंपली नो पर क्लिक करके आगे चला जाता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से आते हैं, कई अलग प्रकार के खाते हैं, भरोसा बचत खाता, सबके चार्ज अलग अलग है। मैं नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोलूंगा एयरटेल पेमेंट बैंक का, और नीचे जो दिए गई टर्म और कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर दूंगा। अब आप इसमें मिनिमम कितने रुपये इस खाते में डालने चाहते हो, देखो मिनिमम 200 रुपये आपके फिलहाल कटते हैं, और 200 रुपये में से 100 रुपये आवेदक के अकाउंट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर कितने भी भरो मिनिमम 200 रुपये ही कटेंगे। अगर आप ज़्यादा भरना चाहते हो तो ज़्यादा कट जाएंगे आपके रिटेलर वॉलेट से। तो मैं जैसे इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ 100 रुपये भरकर। अब ये आगे दिखा रहा है कि 100 रुपये आपके कस्टमर के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे और 100 रुपये उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। मैं सिंपली यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ, और इस सब की आवेदक की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, और सिंपली आगे क्लिक करेंगे। और अब फाइनली ई KYC के लिए आपको फिर से ऑथेंटिकेट करना हो, मैं सिंपली फिंगर से ऑथेंटिकेट करूँगा, उस पर क्लिक कर दूंगा और मेरा डिवाइस पर सिग्नल आ जाएगा, मैं उसका फिंगर रखवाऊंगा तो यहां से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट पेज में आपके सामने शो होगा कि क्या आप गवर्नमेंट सब्सिडीज इसी बैंक में करना चाहते हैं, इसको DBT बोलते हैं। अगर आप DBT पर यस करेंगे तो सारी योजनाओं के पैसे इसी बैंक में आएंगे। मैं सिंपली नो कर यहां से सबमिट कर देता हूं, और अब आपका अकाउंट पूर्णतः खुल चुका है। अब उस नंबर पर फोन पे चलाने के लिए अब हम क्या करेंगे, जिस नंबर पर भी हमने एयरटेल पेमेंट बैंक खोला था अब उसी नंबर पर हम सबसे पहले एयरटेल थैंक्स ऐप को इंस्टॉल करेंगे, और उसको इंस्टॉल कर ओपन कर उस नंबर को या उसमें फिल करेंगे। उस नंबर पर OTP वगैरह आएगा, उस सब को फिल करने के बाद जो भी परमिशंस मांगेगा हम वो सभी टर्म्स और कंडीशंस परमिशंस इसको अलाउ कर देंगे। और परमिशंस देने के बाद हम सिंपली जो भी हमारी प्रोफाइल का जो सेक्शन आएगा हम उस प्रोफाइल के सेक्शन में जाकर अपने खाते की डिटेल निकालेंगे। अब उससे पहले आपको जो भी इस खाते का MPIN होगा उसको भरना होगा। अगर आपके याद है तो ठीक, वरना भूल गए उस पर क्लिक करके आपको उसको उस आवेदक के खाते की मदद से यहाँ पर निकाल लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आधार कार्ड में नाम है वो भर देंगे, और उसके बाद जो भी उसकी जन्मतिथि है वो कुछ इस प्रकार से भरेंगे। ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद हम उसमें सिंपली गेट OTP पर क्लिक कर देंगे, और एक OTP उस नंबर पर आएगा, और उसके बाद यहाँ पर हमें दो बार जो MPIN है उसको क्रिएट कर लेने का ऑप्शन आ जाएगा। हम सिंपली MPIN क्रिएट कर देते हैं, जिस प्रकार से ये हो चुका है। अब अपने खाते की डिटेल्स को एक्सेस करने के लिए उसी MPIN को यहाँ पर फिल करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से डिटेल आ जाएगी। जो भी इसका वर्चुअल डेबिट कार्ड होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप इसको मंगाएंगे फिजिकली तो आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा। देखिए जिस प्रकार से जो 100 रुपये थे जो हमारे अकाउंट से कटे थे वो इस खाता धारक के अकाउंट में 100 रुपये आ गए, और 100 रुपये का चार्ज लगा। ये हमारा ATM वगैरह है, इस सब की मदद से हम उस फोन में फोन पे वगैरह चला सकते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब